मारूफ न्यूज़ एंकर राबिया अनम की जानिब से एक टीवी शो के दौरान मोहसिन अब्बास हैदर के खिलाफ वॉकआउट करने पर जहां खवातीन उनकी तारीफें कर रही हैं, वहीं शोबी से वाबस्ता कई खवातीन उन पर तनकीद भी कर रही हैं। राबिया अनम ने निदा यासिर के मॉर्निंग शो से इसलिए वॉकआउट किया था कि वहां अदाकारा फातिमा सोहेल पर तशद्दुद करने वाले उनके साबका शोहर मोहसिन अब्बास हैदर भी बतौर मेहमान मौजूद थे। राबिया अनम ने प्रोग्राम छोड़कर जाने से कबल निदा यासिर ARY चैनल और प्रोग्राम के प्रोड्यूसर से माफ़ी भी मांगी और कहा कि उन्हें मालूम नहीं था कि प्रोग्राम के दूसरे मेहमान कौन हैं। राबिया अनम ने निदा को बताया कि उन्होंने घरेलू तशद्दुद के खिलाफ खड़े होने का अज़्म कर रखा है और वो इस हवाले से आवाज़ भी बुलंद करती आ रही हैं, जिस वजह से आज उनका प्रोग्राम में बैठना उन्हें मुनासिब नहीं लग रहा। उन्होंने कहा कि अगर वो शो में शरीक रहीं तो उनकी तमाम काविशें खत्म हो जाएंगी, इसलिए वो मजीद इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं रहना चाहती क्योंकि वह घरेलू तशद्दुद के खिलाफ उठाई गई अपनी आवाज़ को कम नहीं देखना चाहती। इसके बाद वो प्रोग्राम छोड़कर चली गईं। इस दौरान निदा यासिर ने वक्फा लिया और बाद अज़ां प्रोग्राम को मोहसिन अब्बास हैदर और फिजा अली के साथ मुकम्मल किया गया, जबकि YouTube पर राबिया अनम के प्रोग्राम छोड़ जाने की क्लिप को भी निकाल दिया गया। राबिया अनम की जानिब से प्रोग्राम छोड़ जाने के अमल पर मुतअद्दिद अफराद और शोबी शख्सियात ने उनकी तारीफें की और उनके कदम को सराहा। ताहम बाद शोबी शख्सियात और सोशल मीडिया सार्फीन उनके इस अमल से नाखुश दिखाई दिए और उन पर दूसरे लोगों की तस्दीक करने का इल्ज़ाम लगाया। मॉडल मेज़बान मथीरा ने राबिया अनम के अमल पर सख्त नाराजगी का इजहार करते हुए लिखा कि उन्हें दूसरों को सरेआम तस्दीक का निशाना बनाने का कोई हक नहीं हासिल। मथीरा ने राबिया अनम की शो छोड़ने की वीडियो पर कमेंट करते हुए लिखा कि घरेलू तशद्दुद के खिलाफ खड़ा होना अच्छी बात है, लेकिन वो अच्छे तरीके से भी शो को छोड़ सकती थी। मॉडल ने लिखा कि उनके साथ भी मुतअद्दिद शोज में मसाइल हुए, लेकिन उन्होंने किसी दूसरे की तस्दीक किए बगैर शो को एहतराम से छोड़ा। मथीरा ने यह भी लिखा कि गलतियां करने वाले लोगों को खुद को तब्दील करने का मौका दिया जाना चाहिए और किसी की बराह रास्त तजहीक करके हीरो बनने की कोशिश से गुरेज किया जाना चाहिए। उनकी तरह सीनियर अदाकारा मिशी खान ने भी राबिया अनम के अमल को नामनासिब करार देते हुए लिखा कि वो मेकअप रूम में मेहमानों से मुतालिक जानकर शो में शिरकत करने से इनकार कर सकती थी। अदाकारा ने लिखा कि मुमकिन है कि उनके मैनेजर को हर बात का इल्म हो और उन्होंने इसे स्टंट के तौर पर लिया हो ताकि ज़्यादा तवज्जो हासिल की जा सके। उनकी तरह TV मेज़बान डॉक्टर बुशरा इकबाल ने भी राबिया अनम के शो छोड़ जाने की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि इन अदाकाराओं और ख्वातीन मेज़बान का भी एहतसाब होना चाहिए और इन पर पाबंदी लगानी चाहिए जिन्होंने दूसरों की ज़िंदगी ख़राब की। उन्होंने मुतालबा किया कि दूसरों के घर तबाह करने वाले तमाम अफराद पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए। YouTube पर Googly News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Googly News TV टाइप करें। Googly News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।